हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। तो आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो आपको पोजीशन देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन ट्रेनी का पोजीशन यहाँ पे निकाला गया है, डिप्लोमा ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने बीबीटेक कर रखा है तो आपके लिए ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इवन कैसे अपने को अप्लाई करना है, उस प्रोसेस को भी मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना। जो आपका लाइक का टारगेट रहेगा वो 500 प्लस आपको लाइक करवा देना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को दबा के शेयर कर देना है बिना कंजूसी किए। और जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी बेहतरीन वीडियो बनाने का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पे जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपकी रहेगी टेक्नीशियन ट्रेनी का, डिप्लोमा ट्रेनी का, और अगर आपने यहाँ पे बीबीटेक किया तो ग्रेजुएट ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने यहाँ पे आईटीआई किया है अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अगर आपने बीबीटेक किया है आप एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। अप्रॉक्स ऑल ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन और बहुत सारी ब्रांचेस आपको देखने को मिलने वाली है। सबसे बढ़िया बात क्या है कि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपके इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे आपको 0 रुपये पे करना है, फ्री का ये फॉर्म आपका रहने वाला है। तो जो स्टेप्स मैं वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ उनको आप डायरेक्टली फॉलो करिएगा, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। और सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए, लाइक टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, जाके ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको उन जॉब्स का अपडेट भी देखने को मिल जाएगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे पोस्ट नहीं कर पाता, और यूट्यूब पे सारी जॉब्स का अपडेट देना पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपका कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी सवाल पूछना है, आप डायरेक्टली मुझको मैसेज कर पाएंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। इस पीडीएफ का लिंक और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया मिल जाएगा, डायरेक्टली आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप अप्लाई लिंक और पीडीएफ के लिंक तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने पॉइंट हाईलाइटेड कर रखे हैं, उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हाईलाइटेड है ताकि आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो आपके लिए रहेगा वो आपके लिए रहेगा ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा और ट्रेड अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम आपको देखने को मिलने वाला है। अप्रेंटिसशिप क्या होगा? आपका 1 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि इंडस्ट्री के कैसे काम करती है, कैसे रन करती है, आपका काम सिखाया जाएगा पूरा का पूरा। 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको अगर आप वहां पर सिलेक्टेड होते हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड भी देखने को मिलेगा जो कंपनी टू कंपनी यहाँ पे वेरी करता है। अब बात करते हैं ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल दे रखा है पोस्ट का और क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया पूरा का पूरा एक चार्ट के अंदर। सीरियल नंबर क्या रहेगा, आपका डिसिप्लिन क्या रहेगा, नंबर ऑफ सीट क्या निकाला गया, ड्यूरेशन क्या रहेगा, मंथली स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, लोकेशन कौन कौन से देखने को मिलेगी, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिए। तो अगर आपने सिविल के अंदर बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंदर बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर अगर आपने बीबीटेक किया आप एलिजिबल रहेंगे, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के अंदर अगर आपने बीबीटेक किया आप अप्लाई कर सकते हैं, सिविल के अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपने डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं, वहीं अगर आपने यहाँ पे सीएस और आईटी के अंदर डिप्लोमा कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं अगर आपने यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर डिप्लोमा किया या फिर ऑटोमोबाइल के अंदर डिप्लोमा किया आप अप्लाई कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए ये सारे ट्रेड दे रखे, कोपा का ट्रेड दे रखे आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रिकल का ट्रेड दे रखे, मैकेनिकल का दे रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच वाले यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले, आपके 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। देखिए जिन्होंने बीबीटेक किया है उनके लिए यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, और जिन्होंने यहाँ पे डिप्लोमा किया है उनके लिए 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा, और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है उनको यहाँ पे 9,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। पूरे एक साल तक आपको यहाँ पे स्टाइपेंड देखने को मिलने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो इसका लास्ट डेट रहेगा 4 दिसंबर, इसका लास्ट डेट रहने वाला है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि बीबीटेक और आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए, जो कि आपका फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे मांगा है, मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग वाले और पार्ट टाइम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। वहीं अगर आपने आईटीआई किया फुल टाइम तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप इंडिया के नागरिक है लाइक ईस्टर्न रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपका बैच 2020 का है या फिर 20 के बाद का है लाइक 21 का है, 20 का है और 22 का है तो आप एलिजिबल रहेंगे। 2022 में भी पास आउट हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, 2020 से लेके 22 में कहीं पे भी पास आउट हो रखे हम अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे 26 ईयर मैक्सिमम एज दे रखा है, जो कि आपका रहेगा 31/8/2022 तक आपका एज लिमिट यहाँ पे काउंट होने वाला है। मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, तो अगर आप यहाँ पे 16 साल के भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम दे रखा है तो 26 साल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एज का रिलैक्सेशन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है। यहां पे बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहां पे आपका मेरिट बनेगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लाइक आपने आईटीआई के अंदर, डिप्लोमा के अंदर, बीबीटेक के अंदर जितने भी मार्क्स गेन किए उसी के बेस पे आपका यहां पे सिलेक्शन होगा, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन होगा आपका इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कुछ नहीं रखा गया, फ्री के ये फॉर्म है, आपको यहाँ पे 1 रुपया भी पे नहीं करना। नीचे यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया और डिप्लोमा किया उनके लिए यहाँ पे पूरा बता रखा है। इवन यहाँ पे उन्होंने स्क्रीनशॉट भी मेंशन किया कि कैसे आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे पूरा का पूरा दिया गया, तो आप इसको देख के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई है, और जिन्होंने यहाँ पे आईटीआई कर रखा है उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आईटीआई वालों को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। apprenticeshipindia.org पे जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, साथ ही साथ इन्होंने स्क्रीनशॉट तक मेंशन किए हैं, आप इन स्क्रीनशॉट को देखते हुए आराम से अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया, जाके ज्वाइन कर लेना। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं उसका यूज करके आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पाएंगे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उससे रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।